वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, फिर से सुन लो। ये जो इमेज है ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए है, इसको एक्चुअल मत समझ लेना, लेकिन लाइन एक्चुअल में क्या है, पिरामिड बनाते हैं, स्टैकिंग प्लेइंग कार्ड्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर इन द शेप ऑफ ए पिरामिड। ईच स्मॉल ट्रायंगल इज मेड यूजिंग थ्री कार्ड्स। आप वैसे देखो हर एक ट्रायंगल को, ये देखो देखिए बेटा, एक कार्ड इधर लगा हुआ है ऐसे, एक ऐसे और एक नीचे लगा हुआ है, तो तीन तीन कार्ड से एक ट्रायंगल बनती है, इसने समझाया आपको। फिर एंड ईच लेयर हैज वन लेस ट्रायंगल, एक लेस ट्रायंगल होने का मतलब कितने कार्ड्स कम होना, तीन। सिर्फ पहली लेयर में कुछ हमारी ट्रायंगल्स होंगी, सपोज मैं या इसको मैं देख ही रहा क्वेश्चन को, सपोज पहली लेयर में आठ ट्रायंगल्स है, दूसरी लेयर जो ऊपर होगी उसके उसमें सेवन ट्रायंगल्स होंगी, आठ ट्रायंगल्स का मतलब कितने कार्ड होंगे, 24। और अगली लेयर में अगर सात ट्रायंगल्स है तो सात या 21, ये मतलब है। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, अब मैं एक्चुअल क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या है। आइए अंकित एंड हिज फ्रेंड्स वर हैविंग स्लीप ओवर एंड वांटेड टू डू समथिंग फॉर फन। वन ऑफ द फ्रेंड्स सजेस्टेड दैट दे कुड मेक ए हाउस ऑफ कार्ड्स। अंकित इज प्लानिंग टू मेक ए पिरामिड विथ टॉप एंड बॉटम लेयर कंटेनिंग 15 एंड 138 कार्ड्स। तो सबसे बॉटम लेयर में कितने हैं बेटा, 138 कार्ड्स, सबसे नीचे समझ रहे हो, तो सबसे टॉप लेयर में कितने हैं, 15 कार्ड्स। अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचू ना, 15 कार्ड्स हैं तो हर ट्रायंगल कितने कार्ड से बन रही है, तीन से, तो यूं सोचो इसका जो डायग्राम बनेगा ऊपर पांच ट्रायंगल होंगे, और इसका जो डायग्राम बनाऊं तो मैं 138/3 होता है, 46 ट्रायंगल्स होंगे नीचे, लॉजिकली भी सोचा जाए, ठीक है बहुत बढ़िया है। तो ये कितनी लेयर्स है, ये क्या है, तो मान लो ये फर्स्ट टर्म है हमारी, टॉप लेयर को मैं फर्स्ट टर्म कह रहा हूँ, चाहे नीचे से कर लो चाहे ऊपर से कर लो उससे कोई नहीं, हमें तो क्या बतानी है। हाँ, कोई बात नहीं, हाउ मेनी लेयर्स विल सच पिरामिड है, मैं एक ही से करवा रहा हूँ ना आपको, लॉजिकली वैसे ही। टी वन उससे जो नीचे वाली में कितने होंगे बच्चों, एक ट्रायंगल ज्यादा है ना, अगर ऊपर से नीचे आऊंगा तो एक एक ट्रायंगल ज्यादा होगी, नीचे से ऊपर जाऊंगा तो एक एक ट्रायंगल, जैसे मर्जी सोच लो। और टी टू में कितने कार्ड होंगे बच्चों, 18, एक ट्रायंगल ज्यादा होने का मतलब तीन कार्ड ज्यादा, और उल्टा सोचू तो सबसे नीचे 138 कार्ड है तो उससे ऊपर 135 कार्ड है, यानी कि 45 ट्रायंगल। तो मैं ऊपर से सोच रहा हूँ, फर्स्ट टर्म मेरी 15, सेकंड टर्म मेरी 18, और लास्ट टर्म मेरी एमएट टर्म 138। तो क्या ये एपी है, हाँ सर ये एपी तो है, इसकी फर्स्ट टर्म 15 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, और एमएट टर्म भी पता है मुझे, एमएट टर्म कितनी है, 138। एमएट टर्म क्या बच्चों, एमएट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताना, एक ए क्या इस एपी का, प्लस बी प्लस एन माइनस वन वन इनटू कॉमन डिफरेंस 3 और एमएट टर्म 138 तो सबसे नीचे है ना वो लास्ट टर्म आ गई, प्लस मैंने एपी को ऊपर से देख लिया, आप नीचे से देख लो तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव ले लेना, उसमें क्या दिक्कत है, आंसर तो सेम ही आएगा एट द एंड ऑफ द डे। तो प्यारे बच्चों 138 में से ये माइनस कर दो, 15 है माइनस कर दो, तो क्या होगा माइनस करके क्या मिलेगा, 123, तो एन माइनस वन इज 123/3, तो एन क्या आ गया बच्चों, 41+1 40। तो प्यारे बच्चों ये कितनी लेयर्स होंगी, 42 लेयर्स होंगी, जब सबसे बॉटम मोस्ट में 138 कार्ड होंगे, और धीरे धीरे एक एक ट्रायंगल मतलब तीन तीन कार्ड्स कम हो रहे हैं, और टॉप लेयर में कितने कार्ड्स हैं, 15, तो ऐसे कितनी लेयर्स बनेगी, 42 लेयर्स बनेगी। फर्स्ट पार्ट डन, सेकेंड पार्ट they have a total of 360 card with them, they have a total of 360
card with them. Find the maximum number of players that Ankit and his friends can make using the cards they have if they want to have one triangle at the top layer. ठीक है, देखो बच्चों, सबसे टॉप लेयर पे तीन कार्ड है, यानी ये ट्रायंगल है T1 और ऐसे T2, एक ट्रायंगल फालतू जब नीचे आएंगे तो और छेद, T3 लाइन, समझ गए? चलते 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 एन टर्म्स है, मैं कह रहा हूं, और इन एन टर्म्स का जो सम है, इन एन टर्म्स का सम क्या है बच्चों? 360. अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या बताना है, नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या बताना है बच्चों? नंबर ऑफ प्लेयर्स. तो बच्चों n टर्म्स का सम क्या होता है? n by 2 into n plus n minus 1 into d. क्या बात है, 2a plus n minus 1 into d भी लगा सकता हूँ फॉर्मूला. क्या बात है, क्या बात है. और टोटल कार्ड्स का सम क्या है बच्चों? 360. क्या बात है, क्या बात है. और n by 2 what is it 3. क्या बात है. And what is common difference here? 3. Very good. 360. Yes or no? यहाँ तक समझ आ गया? 2 जब 360 से मल्टीप्लाई होगा तो वी विल गेट 720 here. अब मल्टीप्लीकेशन बहुत ध्यान से करना, ये n तो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 है. अब n जब 3 से होगा तो 3n होगा? 3n square. 3 से डिवाइड कर दिया लिख भी देना डिवाइड बाय 3 बोथ साइड. बोर्ड के पेपर में सब कुछ लिख के 3n square जब 3 से डिवाइड होगा तो n square plus n minus 3 n square plus n minus 240. कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बनाने फैक्टर्स मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं. आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आ रहा है -240 n² बच्चों -240 n² तो मिडिल टर्म स्प्लिट आता है आपको 16 × 15 करो माइंड में 16 × 15 240 होता है. तो ये बना आपका -16 n कॉमन तो n प्लस 16 माइनस 15 कॉमन तो n प्लस 16. हाँ जी, तो n प्लस 16 इंटू n माइनस 15 ये बना. तो n इज इक्वल टू 15 लेयर्स, क्योंकि n प्लस 16 जीरो के इक्वल रखेंगे. बोर्ड में पूरा करके आना, आप वो स्टेप भी दिखा के आओगे. n प्लस 16 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 16, रिजेक्टेड बिकॉज लेयर्स कैन नॉट बी नेगेटिव. सो आवर फाइनल आंसर विल बी 15. जो सेकंड पार्ट का आंसर क्या है बच्चों? 15 है. कितने बच्चों को समझ आ गया अभी?